हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिक रेसिपी। आज हम बहुत ही टेस्टी मटन के टेस्ट में राजमा बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे जब भी मेरा मन करे हम इसे बना सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम राजमा, 4 से 5 मीडियम साइज अनियन जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, 2 टमाटर, 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच पंचफोरन, हींग, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ड्राई रोस्ट किया हुआ मेथी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में डालेंगे कुकिंग ऑयल। आप तेल अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें सारा खड़ा मसाला डाल देंगे, 1 चम्मच हींग डाल देंगे। डालना है राजमा, प्याज, टमाटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, कस्तूरी मेथी, और सभी को अच्छे से मिक्स करके इसे हम कवर कर देंगे। इसे हमें लो फ्लेम पे पकाना है, जिससे कि हमारा प्याज टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसे हम 2 से 3 मिनट पे चेक करेंगे कि प्याज कितना पका है। अगर अच्छे से नहीं पका होगा तो हम इसे फिर से कवर कर देंगे, क्योंकि प्याज को हमें अच्छी तरह गलाना है, तब तो मटन वाला टेस्ट आएगा। वैसे इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, मोस्टली हम इसे 10 से 15 मिनट में बना सकते हैं। आप देख सकते हैं अब हमारा प्याज अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी, और इसके बाद अगर हमें ज़्यादा गाढ़ा लगा तो हम 1/2 गिलास पानी और ऐड करेंगे। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से पानी डालें, आपको ग्रेवी जैसा चाहिए, और इसे अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करके हम इसे कवर कर देंगे, और हमें मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी लगाना है और राजमा हमारा अच्छे से कुक हो जाएगा। आइए अब मैं प्रेशर कुकर को खोल के दिखाती हूँ। हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा कटे हुए धनिया, और इसे स्लोली मिक्स करें। आप देख सकते हैं ये मेरा कितना प्यारा राजमा का सब्जी बन के रेडी है, और ये टेस्ट में तो इतना अमेजिंग है कि अगर आपने इसे एक बार खाया तो आप इसे बार बार बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।